हे फूडीज, वेलकम टू माय चैनल किरण्स क्यूजिंग किचन। तो आज मैं बना रही हूँ क्रिसमस स्पेशल प्लम केक। ये रेसिपी जो है बहुत इजी है, बहुत टेस्टी बनता है ये केक। तो ये क्रिसमस आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो सबसे पहले एक बोल में आप ले ले ऑरेंज जूस। मैंने यहाँ पे लिया है हाफ कप रियल कंपनी का ऑरेंज जूस लिया है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/4 कप टूटी फ्रूटी, 1 टेबल स्पून किशमिश रेजन्स, 1 टेबल स्पून ब्लैक रेजन्स, 2 टेबल स्पून चेरीज जिसको मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है, और यहाँ पे है मेरे पास 3 टेबल स्पून मिक्स्ड नट्स हैं जिसमें मैंने 1 टेबल स्पून आमंड्स, कैश्यू नट एंड वॉलनट लिया है। इस बात का आप ध्यान रखें कि आप कांच का ही बोल यूज़ करें ड्राई फ्रूट्स और नट्स को सोक करने के लिए। और उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1/3 कप पाउडर्ड शुगर, और उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद इसे मैं ढक कर रखने वाली हूँ एटलीस्ट 3 आवर्स के लिए, ताकि ये जो सारे नट्स हैं और चेरी वो ऑरेंज जूस सोक कर ले। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई जो है वो गर्म होने के लिए रख दी है। उसमें मैंने डाला है 1/4 कप शुगर, और हमें शुगर को बहुत अच्छे से मेल्ट करना है। कंटिन्यूसली आप स्टर करते रहे ताकि जो शुगर है वो नीचे से जले नहीं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। थोड़ी देर में आप देखेंगे जो शुगर है वो मेल्ट होके इसका जो कलर है वो भी चेंज हो जाएगा। तो ये देखिए अभी ब्राउन हो गया है। तो इसके बाद आपको 1 मिनट के लिए इसे और कुक करना है। उसके बाद आपको इसमें डालना है 1/4 कप पानी, और इसे भी आपको अच्छे से मिक्स करना है ताकि कोई लम्ब्स नहीं रहे। मैंने सभी इंग्रेडिएंट्स को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। इसे आप 10 से 15 सेकंड्स के लिए कुक करें और फिर गैस का फ्लेम बंद कर दें। अब इस सिरप को आपको इसके अंदर मिक्स कर देना है, और उसके बाद आपको इसको 3 आवर्स के लिए रखना है। तो टोटल मैं इसे 3 आवर्स के लिए ढक कर रखने वाली हूँ। आफ्टर 3 आवर्स आपको लेना है वार्म मिल्क, और फिर उसमें ऐड कर दे विनेगर ताकि हमारा जो दूध है वो फट जाए। वार्म मिल्क लेना है, ठंडा दूध न ले। ये देखिए दूध में दाने अच्छे से आ गए हैं, मीन्स हमारा जो दूध है वो अच्छे से फट गया है। उसके बाद आप एक बोल ले और उस पर छन्नी रखें और सभी चीज़ों को छान ले। मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, कॉर्नफ्लावर, मिल्क पाउडर, ये केक का स्पेशल मसाला है। तो मैंने इंग्रेडिएंट्स जो है इसमें यूज़ किए हैं सबको मेंशन कर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और इसको अब अच्छे से हम छान लेते हैं। छानना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद जो हमने नट्स भिगो के रखे थे वो आप इसमें डाल दें, वनीला एसेंस, बटर, बटर को आप मेल्ट करके ही डालें। सभी चीज़ें डालने के बाद इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो अभी हमारा जो बैटर है वो काफ़ी थिक है, तो जो हमने साइड में दूध विनेगर मिक्स करके रखा था वो हम ऐड कर लेते हैं। तो दूध को आप एक साथ नहीं डालें, थोड़ा थोड़ा कर कर ही ऐड करें। प्लम केक का जो टेस्ट होता है वो काफ़ी अलग होता है दूसरे केक से, तो आप ये रेसिपी जो है ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं रेसिपी अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ये देखिए, मैं एक बार आपको केक की कंसिस्टेंसी भी बता देती हूँ। तो केक टिन को पहले से ही मैंने ग्रीस कर लिया था ऑयल से, और फिर उसके ऊपर बटर पेपर लगा लिया है, और ये जो हमारा केक का बैटर है उसमें डाल देते हैं। केक बनाते समय आप इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी जो टिन होता है वो आधा ही भरना चाहिए। तो देखिए बैटर जो है वो ज़्यादा हो रहा था, तो मैंने थोड़ा सा खाली कर लिया है और इसको आधा मैंने खाली रखा है, क्योंकि ये फूल के डबल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं जो केक है वो कढ़ाई में बनाने वाली हूँ। तो मैंने कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया था, तो 15 मिनट्स के लिए आपको इसे प्री हीट करना है मीडियम फ्लेम पर, और इसे आप ढक कर अब आपको कुक करना है 40 मिनट्स के लिए। आप बीच में चेक करते रहिएगा। तो आफ्टर 40 मिनट्स ये देखिए हमारा जो केक है वो फूल गया है और बहुत अच्छे से बेक हुआ है, स्टिक्स पे चिपक नहीं रहा है केक।
केक को साइड में निकाल के हम लोग ठंडा होने के लिए रख देंगे, एटलीस्ट इसे 2 आवर्स के लिए आप इसे नहीं छेड़े। तो देखिए आफ्टर 2 आवर्स ये केक जो है वो काफ़ी ठंडा हो गया है, काफ़ी सॉफ्ट भी बना है, स्पंजी बना है। तो अब हमें इसे कट करना है। कट करते समय आप इस बात का ध्यान रखें कि जो आप नाइफ़ यूज़ कर रहे हैं वो काफ़ी शार्प होना चाहिए, नहीं तो जो आपका केक है वो टूट सकता है। तो देखिए आपको इस तरह स्लाइस कट करना है। एक स्लाइस को मैं आपको पास में से भी दिखाती हूँ, बहुत ही स्पंजी और टेस्टी बनता है। तो फ्रेंड्स जो हमने टिन में से एक्स्ट्रा जो बैटर था वो निकाला था ना, उसके मैंने 4 कपकेक बना लिए, तो 2 तो मैंने खा लिए, बहुत टेस्टी बना था। फ्रेंड्स अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक एंड शेयर करना ना भूले। तो मैं मिलती हूँ आपको एक न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।